एबीपी न्यूज़ 24x7 सच्चाई कलम की नोक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज़। जहां इस वक्त की बड़ी खबर, माटीगंज तहसील क्षेत्र के बेलहरी इमाम अली गांव में शहर बानो एजुकेशनल सोसाइटी के तत्वावधान में एक निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए मरीजों की हृदय जाँच, यूरिक एसिड जाँच, लिपिड प्रोफाइल, बीपी शुगर आदि की विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा जाँची गई तथा मुफ्त में दवा एवं परामर्श दिया गया। यह चिकित्सा शिविर प्रबंधक अस्करी अब्बास की देखरेख में संपन्न हुआ। शिविर में कुल 506 मरीजों का इलाज किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर कमर अब्बास, डॉक्टर आदित्य सिंह, डॉक्टर डीके यादव, डॉक्टर अरिबुज्जमा, डॉक्टर हैदर अब्बास, डॉक्टर इरफान अहमद, ग्राम प्रधान अनिल कुमार यादव उर्फ पप्पू आदि लोग उपस्थित थे। आइए देखिए विजय कुमार यादव की खास रिपोर्ट। निःशुल्क यहाँ शिविर का संचालन किया जा रहा है और दवा दी जा रही है, काफी मरीज भी दिखाए जा रहे हैं, तमाम दी जा रही है, इसके बारे में विस्तार से बताने की कृपा करें। देखिए, आज का ये जो शिविर है ये हमारे पिताजी की याद में है, स्वर्गीय डॉक्टर अली गौहर साहब, जिन्होंने 50 दशक से ज़्यादा, समझ लीजिए 5 दशक से ज़्यादा, 55-60 साल तक इस क्षेत्र में चिकित्सक के रूप में जो है वो सेवा किया था, और अब वो हमारे बीच में नहीं है। मैं उनका बड़ा पुत्र हूँ जो चिकित्सक हूँ। 40-41 साल से मैं भी जौनपुर में चिकित्सीय कार्य कर रहा हूँ उन्हीं की इच्छा से, और मेरे 3 भाई और भी हैं। सबसे छोटे भाई जो हैं अस्करी अब्बास हैं, एडवोकेट हैं, प्रोफेशन से बिजनेस करते हैं। 2 भाई हमारे बाहर रहते हैं, ये इनका लगाव गांव से बहुत ज़्यादा है। और उसके साथ साथ मेरा बेटा, अब जो है वो बड़ा बेटा चिकित्सक है, उसने विदेश से जो है MD किया, फिर वो 13 साल तक दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में रहा, इस समय जौनपुर में वो नोबल हॉस्पिटल में एज ए कार्डियोलॉजिस्ट काम कर रहा है। तो इन्हीं दोनों जने की इच्छा से, हैदर अब्बास की इच्छा से और अस्करी अब्बास की इच्छा से ये हुआ कि भाई पिताजी के नाम से काम किया जाए। इसलिए कि हम लोगों ने, माता जी भी जब हमारी उनका देहांत हुआ था करबला में, तो उस समय हम लोगों ने एक उनके नाम से शहर बानो एजुकेशनल सोसाइटी बनाई थी, और ये सोच के कि उनके नाम से यहाँ पर स्कूल वगैरह बनाएंगे, वो तो कार्य अभी तक हम लोग नहीं कर पाए। तो उसी सोसाइटी के तत्वाधान में आज ये स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, और इसमें हमारे जो है वो कई स्पेशलिटी के डॉक्टर्स जो हैं मौजूद हैं, और सुबह से ही लेकर के लगभग 500 से ज़्यादा लोगों को अभी तक देखा जा चुका है। विभिन्न जाँचें, विभिन्न दवाएँ, सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ उनको फ्री उपलब्ध कराई गई हैं। ये शिविर आज ही का है कि आगे भी? नहीं, ये शिविर आज का है, आज रहेगा, और उसके बाद समय समय पर, जैसा कि अभी मैंने बात किया ना कि भाई इसके बाद जो है वो भादों में, अभी प्रधान जी से जैसे बात की कि हम लोग लगाएंगे, क्योंकि जो नोबल हॉस्पिटल के प्रोपराइटर हैं वो भादों के रहने वाले थे, वो भी अब हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन इस गाँव में भी हम लोग 1-2 महीने में शिविर लगाएंगे। और शिविर के अलावा नोबल हॉस्पिटल में प्रत्येक शुक्रवार को जो है फ्री मरीज जो है देखे जाते हैं। स्थान कहाँ है सर? ये नोबल हॉस्पिटल जो है वो जब आप आजमगढ़ से जाएंगे और सिपा से पहले जो रेलवे क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग से पहले सेंट्रल पोलिटेक्निक स्कूल से मिला हुआ है ये नोबल हॉस्पिटल। आज का शिविर कहाँ है सर? आज का शिविर जो बेलहरी इमाम अली है आजमगढ़ ज़िले में है, इस गाँव में हो रहा है, मेरे निवास स्थान पर मेरे पिताजी के नाम से ये शिविर आयोजित किया गया। राजनीतिक, सामाजिक, सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।